यस हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून सभी को। आज हमारी ये नेट की टेस्ट सीरीज वन है, जिसमें जो हमारा नेट का लाइव क्लासेस चल रही है उसमें जितना भी हमने टॉपिक कवर कर चुके हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, तीन जने ऑनलाइन दिख रहे हैं हमें। क्लास का टेस्ट का टाइम हो चुका है। ओके, ठीक। तो अभी तक हमने क्लास में जो डिस्कस करा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। और ये सारे ही जो हैं वो प्रीवियस पेपर से लिए गए, जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं वो प्रीवियस पेपर से लिए गए हैं। ओके, ठीक। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे आइए, थोड़ी देर हम वेट भी कर लेंगे क्योंकि साइड में आपको कमेंट भी शो होते रहेंगे, तो आपको क्वेश्चन रीड करने में प्रॉब्लम होगी, तो थोड़ा हम वेट करेंगे। ठीक, फर्स्ट आंसर क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर ब्लांचिंग फूड? ब्लांचिंग करने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है क्लीन द फूड, फूड को साफ करने के लिए। बी ऑप्शन है प्रिवेंट पेस्ट इन्फेस्टेशन, पेस्ट से प्रिवेंट करने के लिए। सी है इनएक्टिवेट एंजाइम इन फूड, फूड में जो एंजाइम एक्टिविटी होती है उसको कम करने के लिए, उसको इनएक्टिव करने के लिए। या प्रिवेंट फूड फ्रॉम ड्राइंग, भोजन को सुखाने से बचाने के लिए। आंसर दीजिए क्वेश्चन फर्स्ट का फटाफट। और जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें से आप कैलकुलेट करके रहिए कि कितने आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। ओके, लास्ट में सभी बताएंगे कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। आंसर दीजिए क्वेश्चन फर्स्ट का। यस, क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर है सी, सभी ने सही आंसर दिया है। ब्लांचिंग हम क्यों करते हैं? ताकि जो एंजाइम एक्टिविटी हो रही है फूड में उसको कम किया जा सके, उसको इनएक्टिव किया जा सके। ब्लांचिंग को और क्या कहा जाता है बताइए? ब्लांचिंग को और किस वर्ड से डिनोट किया जाता है? ब्लांचिंग को और किस नाम से बोला जाता है? जल्दी से आंसर दीजिए, फिर हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, स्कैल्डिंग। ठीक, क्वेश्चन सेकंड पे आइए और आंसर दीजिए। सेकंड छोड़िए, सेकंड अभी हमारा नहीं हुआ है, थर्ड को छोड़िए। जो हमने डिस्कस कर चुके हैं हम उसी को सॉल्व कर रहे हैं। यस, क्वेश्चन 10 पे आइए। अब आप क्वेश्चन 10 जो है वो मैच द फॉलोइंग वाला है। क्वेश्चन 10 पे आइए, मैच द फॉलोइंग है। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट से सेकंड से अरेंज करनी है। फर्स्ट है टोमेटो, वीट फ्लोर, टोमेटो, वीट फ्लोर, मीट, टोमेटो, वीट फ्लोर, मीट, मिल्क, एग। देखिए और इसको अरेंज करिए। टमाटर में क्या पाया जाता है? मायोग्लोबिन, एल्केलाइन, फॉस्फेट, ग्लूटेन, लाइकोपीन, लेसिथिन या पैक्टिन। टोमेटो में लाइकोपीन पाया जाता है। यस,
ऐसे आप बता दीजिए कि सीक्वेंस जो दे रखा है उसमें क्या पाया जाता है। यस, लाइकोपीन प्रेजेंट होता है। गेहूं के आटे में, व्हीट फ्लोर में क्या प्रेजेंट होता है? मायोग्लोबिन, एल्केलाइन फॉस्फेट, ग्लूटेन, लाइकोपीन तो हो गया, टोमेटो में लेसिथीन या पैक्टिन? यस, व्हीट फ्लोर में ग्लूटेन प्रेजेंट होता है। आज की क्लास में हमने डिस्कस करा था, ग्लूटेन एक टाइप का प्रोटीन है जो कि इलास्टिसिटी देता है। यस, देन मीट में मायोग्लोबिन। यस, मायोग्लोबिन जो है मसल्स में प्रेजेंट होता है, पिगमेंट है एक। नेक्स्ट आइए मिल्क। मिल्क में क्या प्रेजेंट है? ओके, मिल्क में एल्केलाइन फॉस्फेट टेस्ट। नेक्स्ट आइए एग। एग में एल्ब्यूमिन तो ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन देख के बताइए। जो ऑप्शन है वही बताइए, एग में क्या है? लेसिथीन। यस, एग में लेसिथीन प्रेजेंट है। यस, ऑप्शन क्यों नहीं दिख रहा है? अब देखिए मैंने इसकी और साइज बड़ी कर दी है। साथ में आपके जो मैच लिस्ट फर्स्ट है उसको सेकंड से मैच करना है, दोनों ही दिख रहे हैं। एग में लेसिथीन है। यस, स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है, रुकिए मैं इसको और बड़ा कर देती हूँ, आपको अच्छे से दिखाई देगा। अब सही दिख रहा है, और मैंने इसको बड़ा कर दिया है, एक मिनट रुकिए। हाँ, क्वेश्चन 11 पे आइए और आंसर दीजिए। नहीं दिख रहा है, अभी भी नहीं दिख रहा है मैम, आप स्क्रीन और क्वेश्चन की थोड़ा राइट साइड कर दीजिए, सबके चैट को आ रहे हैं। देखिए, अब देखिए, वैसे साइड में होगा नहीं है, ये उधर ही जाएगा। कमेंट शो हो रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हाँ, चैट आ जाते हैं, ये दिक्कत रहती है इसमें। चलिए क्वेश्चन 11 पे आइए, इसको सॉल्व करने की देखेंगे, कोशिश करते हैं कि चैट कैसे हट जाए। 11th पर आइए, द इमल्सीफायर यूजेज इन मायोनीज इज, मायोनीज में कौन सा इमल्सीफायर यूज किया जाता है? ऑप्शन देखिए, मायोग्लोबिन, सेल्यूलोज, सोया प्रोटीन। ए ऑप्शन है मायोग्लोबिन, बी है सेल्युलोज, सी है सोया प्रोटीन और डी है लेसिथिन। मायोग्लोबिन, सेल्युलोज, सोया प्रोटीन, लेसिथिन, इनमें से कौन सा इमल्सीफायर यूज किया जाता है? यस, लेसिथिन। इमल्सीफायर क्या होता है? इमल्सीफायर यानी जो ऑयल और वाटर को सेपरेट ना होने दे। ठीक, ऑयल और वाटर को सेपरेट ना होने दे। और अभी हमने पढ़ा था लेसिथीन जो है वो एग में प्रेजेंट होता है। एक क्वेश्चन ये आ गया कि लेसिथीन किस में है, तो उसका राइट आंसर था एग।
अब इसमें पूछा है कि मायोनीज में जो है वो कौन सा इमल्सिफायर यूज किया जाता है? लेसिथिन, यस। ठीक है, क्वेश्चन 13 पे आइए, क्वेश्चन 13 पे आइए, क्वेश्चन 13 देखिए। फूड इरेडिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इन विच फूड इज एक्सपोज टू आयोनाइजिंग एनर्जी। रीजन, यूजुअली आइसोटॉप्स ऑफ सेलेनियम एंड क्रोमियम आर यूज्ड। क्वेश्चन 13 को पढ़िए। हाँ, अब टेस्ट जो हमारा चलेगा उससे पहले मैं आपको इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगी ताकि आपको रीड करने में आसानी रहे, अगर यहाँ पर स्क्रीन पे सही नहीं दिख रहा है तो। कोर देखिए, ए सही है, आर गलत है, बी दे रखा है ए और आर दोनों सही है, सी दे रखा है ए गलत बट आर इज ट्रू, और डी दे रखा है बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। दोनों सही है, दोनों गलत है, एक गलत है, एक सही है, ये बताना है आपको। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। सभी ए सही आंसर बता रहे हैं, ए में दे रखा है ए सही है और आर गलत है, यस। फूड इरेडिएशन एक प्रिजर्वेशन की टेक्निक है जिसमें मेनली सेलिनियम और क्रोमियम आइसोटॉप की तरह यूज नहीं लिया जाता है, ये बात गलत है। ठीक, यस, ए सही है। यस, ये हमने डिस्कस किया था। हाँ, रेडिएशन है, गामा रेज दी जाती है मेनली इसमें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। मैच द फॉलोइंग है, मैच करके बताइए, बटर किससे मैच हो रहा है, केक, ऑयल, रॉ सिरप, ऑरेंज स्क्वैश। बटर किससे मैच हो रहा है? केक में बेकिंग पाउडर, ठीक है, बटर में, बटर में क्या एडिटिव किया जाता है? ये सारे ही जो हैं ऑप्शन दे रखे हैं लिस्ट में, वो क्या है? एडिटिव्स है। अगली बार से मैं पीडीएफ आपको पहले दे दूंगी, अगर आपको स्क्रीन सही नहीं दिख रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। यस, बटर में क्या यूज़ किया जाता है? फोर्थ वाला बता रहे हैं सभी, एनाटो। एनाटो भी हमने डिस्कस करा था, उसमें आया था, किसने पूछा था कि शायद रेबिका ने पूछा था कि एनाटो जो होता है वो क्या होता है, तो हमने पढ़ा था कि वो एक कलर होता है जो कि ऑरेंज येलोइश कलर देता है, सीड से, बीज से प्राप्त होता है ये कलर जो कि बटर में मिलाया जाता है। ठीक, केक
केक में बेकिंग पाउडर हो गया, ऑयल में BHA होता है, BHA क्या होता है बताइए, सभी बता रहे हैं ऑयल में BHA मिक्स किया जाएगा, BHA क्या है? BHA क्या है? यस, BHA एक जो है एंटीऑक्सीडेंट है, ऑयल है उसमें रेंसिडिटी होगी, उसको बचाने के लिए BHA एंटीऑक्सीडेंट जो है ऑयल में मिलाया जाता है। रोज सिरप में दो ही ऑप्शन बचे हैं अब आपके पास, सोडियम बेंजोएट और कोचिनियल। रोज सिरप में क्या मिलाया जाता है? डी का बताइए। कोचिनियल है क्या ये बताइए? रोज सिरप में कोचिनियल मिलाया जाता है, ठीक है, क्या है ये? एक इंसेक्ट है, एक इंसेक्ट है जिससे कलर लिया जाता है। हाँ, कलर लिया जाता है, इंसेक्ट है ये एक तरह का जिससे कलर लिया जाता है। यस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए और आंसर दीजिए। ग्लूटेन इज फॉर्म व्हेन फ्लोर इज मिक्स विथ वाटर एंड नीटेड टू मेक डो। जब हम आटे में पानी मिक्स करते हैं और उसे गूंदते हैं तो ग्लूटेन बनता है। रीजन, इट हेल्प्स इन द ब्राउनिंग ऑफ चपाती व्हेन कुक्ड बाय ड्राई हीट। क्वेश्चन 19 का आंसर बताइए। फ्लोर में जब वाटर मिलाया जाता है और उसे गूंधा जाता है, डो बनाया जाता है उससे, तो ग्लूटेन फॉर्म होता है। रीजन दे रखा है, ड्राई हीट देने पर यह ब्राउन कलर देता है। यस, ए सही होगा इसका, इसका ए सही है, लेकिन इसका रीजन जो है वो गलत दे रखा है। ठीक है, जो रीजन बताया है वो डेक्सट्रिनाइजेशन है। डेक्सट्रिनाइजेशन में क्या होता है, स्टार्च को जब हम ड्राई हीट देते हैं तो वह डेक्सट्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ब्राउन कलर देता है, जिसे डेक्सट्रिनाइजेशन कहलाता है। ग्लूटेन सिर्फ उसको क्या दे रहा है, इलास्टिसिटी दे रहा है, ब्राउनिंग नहीं देगा। सिर्फ जो हमने आटा गूंदा है उसको इलास्टिसिटी देगा, ब्राउनिंग से ग्लूटेन का कोई रिलेशन नहीं है। ब्राउनिंग का रिलेशन है डेक्सट्रीन से, डेक्सट्रिनाइजेशन से। यस, ए सही है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए।
फूड और उसमें पाए जाने वाले जो कलर पिगमेंट है उनको आपको मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, पिगमेंट वाला पढ़ चुके हम, कैरेट, बीट रूट, प्लम्स, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली। कैरेट में क्या प्रेजेंट होगा बताइए जल्दी से, कैरेट में कौन सा पिगमेंट है? कैरोटीन या कैरेटिनॉइड्स। यस। बीट रूट में? हाँ, कैरेट में कैरेटिनॉइड्स हो गया। बीट रूट में बताइए, बीट रूट में विटामिन्स। यस। प्लम्स में? प्लम्स में प्लम्स में बताइए, कॉलीफ्लावर में बताइए और ब्रोकली में बताइए। ठीक, प्लम्स में एंथोसाइनिन हो गया, कॉलीफ्लावर में एंथोजेंथिन हो गया जो कि वाइट कलर देता है, दिख क्यों नहीं रहा है, ब्रोकली में क्लोरोफिल हो गया। कमेंट शो हो रहे हैं साइड में, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है या पूरी स्क्रीन ही नहीं दिख रही है? ब्रोकली में क्लोरोफिल हो गया। यस। कमेंट शो हो रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम आ रही है या पूरी स्क्रीन नहीं दिख रही है बताइए। कमेंट है साइड में, ठीक है। कमेंट के लिए ये हम कर सकते हैं, कमेंट के लिए ये हम कर सकते हैं नेक्स्ट से कि जो पीडीएफ है वो मैं आपको पहले सेंड कर दूंगी ग्रुप में, ताकि आपके पास क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, तो कमेंट कितने भी आपके हो तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, ब्रोकली में क्लोरोफिल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए ज्योति, अब आपका गुड आफ्टरनून का मैसेज आ रहा है। हाँ, कमेंट शो हो रहे हैं, ठीक है, कमेंट तो शो होंगे ही, और इसलिए मैं पहले आपको पीडीएफ दे दूंगी, ठीक है। तो आप पीडीएफ आपके पास रहेगा तो उसमें से आप देख सकते हैं। चलिए 22 पे आइए, 22 क्वेश्चन पढ़िए। द फॉलोइंग आर द टेस्ट फॉर मेजरिंग पैक्टिन कंसंट्रेशन। इनमें से कौन सा टेस्ट जो है वो पैक्टिन कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए किया जाता है? एल्कोहल टेस्ट, बॉइलिंग पॉइंट टेस्ट। ये अभी वैसे हमने फ्रूट वाला नहीं पढ़ा है, ये मेनली फ्रूट वाले में आएगा, लेकिन हमने ऑब्जेक्टिव और सेंसरी मेथड जो है वो पढ़ लिया है। ऑप्शन देखिए, अल्कोहल टेस्ट, बॉइलिंग पॉइंट टेस्ट, जेल मीटर टेस्ट, या शीट टेस्ट। अल्कोहल टेस्ट, बॉइलिंग पॉइंट टेस्ट,
दोनों नहीं बताना, एक ही बताना है, अल्कोहल टेस्ट, बॉइलिंग पॉइंट टेस्ट, जेल मीटर टेस्ट या शीट टेस्ट। ऑप्शन, हाँ ऑप्शन में ठीक है, दो है, फर्स्ट या सेकंड, सेकंड या फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड या ऑल ऑफ दीज। ट्वेंटी टू का आपका राइट आंसर है बी वाला, बी यानी हो गया सेकंड और फोर्थ। 22 का बी सही है, 22 का बी सही है, बी है हमारा सेकंड और फोर्थ। बॉइलिंग पॉइंट या सेकंड और फोर्थ, और शीट टेस्ट, शीट टेस्ट हमने पढ़ा था। पेक्टिन कंसेंट्रेशन हम किस में देखते हैं, जब हम जैम बना रहे हैं, जेली बना रहे हैं, ठीक है, तो जितनी अच्छी पेक्टिन होगा उतनी उसकी जेली जमेगी, और जेली सही जमी है नहीं जमी है तो हम शीट टेस्ट करके देखेंगे। तो सेकंड और थर्ड इसका राइट आंसर होगा, सॉरी सेकंड और फोर्थ इसका राइट आंसर होगा, बी इसका राइट आंसर है 22 का। ठीक, शीट तो जेली को बनाने के बाद पड़ा था, नहीं तो इसमें क्या पूछ रहा है, पेक्टिन कंसंट्रेशन को ही टेस्ट करने के लिए मान रहा है, जितना पेक्टिन कंसंट्रेशन अच्छा होगा उतनी ही जेली अच्छी जमेगी। ये पहले और बाद में का तो पूछ ही नहीं रहा है, ठीक है। वापस से 26 पे आइए आप, फिर मतलब 26 फिर से जो है वो पिगमेंट वाला है, फूड और पिगमेंट को जमाना है। ट्वेंटी सिक्स पे आइए, मीट, टोमेटो, ब्रिंजल, टर्निप, कोर्न, जैंथोफिल, एंथोजेंथिन, क्लोरोफिल, मायोग्लोबिन, एंथोसाइनिन, लाइकोपीन। मीट में क्या प्रेजेंट है बताइए, 26 पे देखिए, मीट में क्या प्रेजेंट है बताइए। मीट में मायोग्लोबिन, ठीक, टोमेटो में, लाइकोपीन, ठीक, ब्रिंजल में, हाँ आपको सेंड कर रखा है ये, मैं वापस सेंड कर दूंगी ग्रुप में, जो नया ग्रुप बना है उसमें फिर से सेंड कर दूंगी ये पीडीएफ। पीडीएफ मैं वापस से ग्रुप में सेंड कर दूंगी, और जब टेस्ट होगा नेक्स्ट बार से, टेस्ट सीरीज जो हमारी होगी उससे पहले ही मैं आपको पीडीएफ सेंड करके रखूंगी, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कमेंट जो शो हो रहा है उससे प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो इसका यही सॉल्यूशन है कि पीडीएफ में पहले से ही आपको अवेलेबल कर दूंगी। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। मैच द फॉलोइंग है ये, लिस्ट फर्स्ट को सेकंड से जमाना है, जर्मिनेशन किसमें होता है,
जर्मिनेशन किस में होता है, फर्मेंटेशन किस में होता है, फोर्टिफिकेशन किस में होता है, देन प्रिजर्वेशन किस में होता है? जर्मिनेशन पल्सेस और ग्रेन में, ठीक। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन डो एंड बैटर में, यस। फोर्टिफिकेशन फोर्टिफिकेशन ऑयल बटर्स में होगा 27th का। फोर्टिफिकेशन, ठीक है, ऑयल बटर्स और फ्लोर में। और प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन किसका करते हैं? डिहाइड्रेटेड फूड्स। ठीक है, चलिए। ठीक है, 29 पे आइए और आंसर दीजिए। फ्रॉम विच प्लांट सोर्स ग्लूटेन इज डिराइव्ड? ग्लूटेन कहाँ से मिलता है हमको? ठीक, 29 पे आइए, आंसर दीजिए। ग्लूटेन कहां से मिलता है? सोया, राइस, कॉर्न या वीट? सोया, राइस, कॉर्न, वीट। फोर्टिफिकेशन क्या होता है? फोर्टिफिकेशन क्या है? फोर्टिफिकेशन मीन्स किसी भी फूड के अंदर कोई न्यूट्रिएंट ऐड करना, ठीक। जैसे आप मिल्क लेते हो, मिल्क की जो पाउच आते हैं जो कि पैक्ड होते हैं, उसमें देखा होगा कि आपने लिखा होता है कि विटामिन डी रिच है। ऑयल है होते हैं उसमें लिखा होता है विटामिन ए डी ई के, फैट सोल्यूबल विटामिन रिच है। तो यानी कि ऐसे फूड जिसमें वो न्यूट्रिएंट नहीं है उसमें वो मिलाया जाता है। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल है फोर्टिफिकेशन का आयोडाइज सॉल्ट, आयोडाइज नमक, नमक में आयोडीन मिला रहा है, ठीक है। आयोडीन के प्लस आयरन भी है, आजकल जो है नमक मिल रहा है आयोडीन प्लस आयरन वाला मिल रहा है, ठीक है। तो फोर्टिफिकेशन क्या है? किसी फूड के अंदर हम कोई न्यूट्रिएंट मिला रहे हैं जो उस फूड के अंदर प्रेजेंट नहीं है। जैसे आयोडाइज सॉल्ट हो गया, ब्रेड आती है आजकल, ऑयल में मिक्स होता है, मिल्क में मिक्स होता है, ठीक। और इसी के जैसा एक और टर्म है जो कहलाता है एनरिचमेंट। एनरिचमेंट यानी क्या होता है? एनरिचमेंट और फोर्टिफिकेशन दोनों ही में फूड के अंदर, ठीक है, एनरिचमेंट और फोर्टिफिकेशन दोनों में ही फूड के अंदर न्यूट्रिएंट मिलाया जाता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि फोर्टिफिकेशन में तो ऐसे न्यूट्रिएंट मिलाए जाते हैं जो उस फूड में है ही नहीं। जैसे सॉल्ट के अंदर आयोडीन नहीं है, आयरन नहीं है, वो उसमें मिलाया जाता है। लेकिन एनरिचमेंट में ऐसे न्यूट्रिएंट मिलाए जाते हैं जो उस फूड के अंदर है लेकिन प्रोसेसिंग के दौरान वो नष्ट हो गए हैं, वो ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। जैसे गेहूं है, गेहूं को आपने पीसा, छाना, जो भी प्रोसेसिंग करी है, मिलिंग करी है, तो उसमें से वो हट गए हैं। राइस को आपने पॉलिश करा है तो थायमिन हट गया है, तो आप थायमिन मिला रहे हैं तो एनरिचमेंट कहलाएगा, ठीक। हाँ, 29 का हमारा राइट आंसर हो गया वीट वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। न्यूट्रिएंट को इंक्रीज करता है, यस। 30 पे आइए, 30 पे आइए और देखिए आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आर प्रोड्यूस्ड बाय इन्वॉल्विंग फर्मेंटेशन?
फर्मेंटेशन से कौन सा फूड बनाया जाता है? बियर, योगर्ट, चीज, विनेगर? बियर, योगर्ट, चीज और विनेगर। ऑप्शन ए भी दे रखा है, बी सी दे रखा है, सी डी दे रखा है और डी ए दे रखा है। लैक्टिक एसिड। ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? लैक्टिक एसिड से फर्मेंट कर रहे हैं। हमने पढ़ा था कि जब फर्मेंटेशन हो रहा है दो चीजें होगी, लैक्टिक एसिड होगा और अल्कोहल होगा। यस, बियर, वाइन, ये सब अल्कोहल वाले में आएंगे। लैक्टिक एसिड में आपका आएगा योगर्ट और चीज। 30 का राइट आंसर होगा आपका बी वाला, बी और सी ऑप्शन दे रखा है। यस, योगर्ट और चीज। अगर अल्कोहल पूछा होता तो आप बियर बता सकते थे, यहाँ पर लैक्टिक एसिड पूछा है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। यस, योगर्ट और चीज। वापस से 32 पे आइए, पिगमेंट वाला क्वेश्चन आ गया है। बियर नहीं होगा प्रीति, लैक्टिक एसिड लिखा हुआ है वहां पर, बियर नहीं होगा, चीज होगा, योगर्ट होगा। अगर अल्कोहल होता तो आपका हो जाता। चीज एंड योगर्ट करेक्ट आंसर है। 30 का करेक्ट आंसर है आपका बी वाला, बी और सी दे रखा है, दही और चीज। ठीक, ओके। 32 पे आइए, पिगमेंट और फूड है। बीट रूट में क्या है, कैरेट में क्या है, अनियन में क्या है, स्पिनेज में क्या है? बीट रूट में बिटेलिन, कैरेट में कैरेटिनॉइड्स, अनियन में फ्लेवोन्स एंड स्पिनेच में क्लोरोफिल। ठीक, थर्टी सिक्स पे आइए, क्वेश्चन नंबर 36 पे आइए, आंसर दीजिए। पाश्चराइजेशन इन मिल्क इज डन टू डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स। दूध में पाश्चराइजेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है। रीजन दे रखा है, इट इज टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड इन मिल्क। ये बताता है कि मिल्क में लैक्टिक एसिड क्या कितना है। 36 का आंसर दीजिए। ए ट्रू है और आर, आर क्या है? यस, ए ट्रू है और बी फॉल्स है, सी राइट आंसर है। ए तो सही बता रहा है, पाश्चराइजेशन मिल्क में क्यों किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन इसका रीजन गलत दे रखा है कि ये लैक्टिक एसिड को टेस्ट करता है। यस, आर फॉल्स है।
यस44 पे आई है, क्वेश्चन नंबर 44 पे आई हो। मियोनीज इज कंसिडर्ड एज ए परमानेंट इमल्शन। रीजन, शुगर सॉल्ट एसिड आर यूज एज ए स्टेबलाइजर इन मायोनीज। फोर्टी फोर का आंसर बताइए। ए करेक्ट है, परमानेंट इमल्शन है वो। और मायोनीज में शुगर सॉल्ट एसिड को स्टेबलाइजर की तरह यूज नहीं किया जाता है, ये गलत है। यस, तो इसका राइट आंसर सी होगा, है ना। ए तो करेक्ट है बट आर इज इनकरेक्ट। यस ओके, सी सही है इसका, ए करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। अब 47 पे आ जाइए। फर्मेंटेशन इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ। फर्मेंटेशन किस किस में यूज किया जाता है? केचप में, वाइन में, कोका पाउडर में, मार्मेलेट में या चीज में? फर्मेंटेशन किस किस में यूज किया जाता है? ऑप्शन भी देख सकते हैं, ऑप्शन दे रखा है इसमें आपको। बी सी डी तीन बता रखे, तीन में होगा। बी सी डी, बी सी ई, ए बी सी या सी डी ई, किन्हीं तीन में है? वाइन में है, ठीक है। चीज में भी है, ठीक है। और एक और किस में है? कोका पाउडर। जो कोका पाउडर होती है वो भी फर्मेंटेशन प्रोसेस के बनाई जाती है, फर्मेंटेशन से बनाई जाती है। चीज होगा, वाइन होगा, देन कोको पाउडर, तीन ऑप्शन इसमें राइट बताने हैं आपको। तो चीज है, यस, वाइन है एंड कोका पाउडर है, ठीक। ठीक है, ऑप्शन जो सही है वो है वाइन, चीज और कोका पाउडर, कोको पाउडर। ठीक है, तो आज ये टेस्ट सीरीज हम यहीं पर हमने करी है। कल वापस से टेस्ट सीरीज ही हो गई, कल वापस टेस्ट सीरीज ही हो गई होगी 11 बजे। 11 बजे जो हमारे क्लास का टाइम है उस पर हम टेस्ट सीरीज करेंगे और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट में हमने बहुत सारी थ्योरीज भी पढ़ ली है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की पढ़ी है, ठीक है, बंदूरा की पढ़ी है, सोशल लर्निंग पढ़ी है, बिहेवियरिज्म वाली पढ़ी है, पर्सनैलिटी वाली पढ़ी है। तो एसडीके भी लेंगे हम, ह्यूमन डेवलपमेंट के भी लेंगे थ्योरी से रिलेटेड। एंड जो अभी तक हमारे और फूड एंड न्यूट्रिशन में जो हो गया मेन्यू वाला और ये सारे, उसके भी क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो आप सभी भी बताइए कितने आपके सही हुए हैं। फिफ्टीन क्वेश्चन थे टोटल,
टोटल 15 क्वेश्चन थे, आंसर दीजिए किस किस के कितने सही हुए 15 में से, 15 में से कितने राइट है बताइए। सभी बताइए 15 में से। श्रेया के 14 गुड, मधुमिता के 13 गुड। काउंट नहीं किया, मैंने आपको पहले ही बोला था क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले ही कि सब आप करेंगे, लास्ट में मैं पूछूंगी। और बताइए सभी। श्रेया ने और मधुमिता ने ही बताया, बताइए और। अनन्या के 10, बाकी तो आप ज्यादातर सही बताते हैं अनन्या, आज 5 गलत कैसे हो गए आपके। ओके थर्टीन अंजना, चलिए ठीक। तो कल जो हमारा टेस्ट सीरीज होगा 11 बजे, 11 बजे जो है हमारा, ठीक कोई बात नहीं, कल वाली क्लास में 11 बजे हमारी क्लास होगी, जिसमें टेस्ट सीरीज ही करेंगे हम। जो टेस्ट सीरीज करेंगे उसकी पीडीएफ मैं पहले ही ग्रुप में सेंड कर दूंगी, तो आपको क्वेश्चन पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, प्रीति यादव के 10। चलिए तो आज हम क्लास यही खत्म करते हैं, कल क्लास 11 बजे होगी, उससे पहले मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी। ठीक, और जो हमारा एसडी और उसका जो बच्चा रह गया है पीडीएफ, वो भी मैं आज आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ओके।